जैसे जैसे पानी और गर्म होता गया, वैसे वैसे भाई दयाला जी अपने गुरु के अकाल पुरख के चिंतन में लीन होते गए। पानी और उबला, भाई जी के चेहरे पर नूर भरता गया। अंत में वह अकाल पुरख में विलीन हो गए। भाई दयाला जी ने मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार किया और अपने विश्वास और अपने गुरु की वाणी को नीचा न होने दिया। यह भयभीत दृश्य को देखकर कुछ लोगों ने आंसू बहाए और कुछ ने आहें भरी और अत्याचारी प्रशासन के विनाश की कामना करकर सब अपने घरों को चले गए। तीसरा दिन आया। भाई सतीदास जी को बंदी खाने से बाहर काजी ने सभी के सामने चुनौती दी और कहा, सतीदास अब तुम्हारी बारी है, इस्लाम स्वीकार करो और दुनिया की सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करो, अन्यथा मृत्यु दंड के लिए तैयार हो जाओ। काजी, मैं तो मृत्यु रूपी दुल्हन की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर व्यक्ति जिंदा जलाया जाता है तो उसकी आत्मा नरक को जाती है और तुम नरक के ही लायक हो, इसे रूई में लपेट कर जिंदा जला दिया जाए। काजी के आदेश का पालन हुआ और इस प्रकार गुरुजी के तीनों सिख गुरु साहिब को देखते हुए अकाल पुरख में विलीन हो गए और जाते जाते संसार को सच्चे बलिदान और गुरु के प्रति कैसी निष्ठा हो, इस बात का पाठ सिखा गए। जब औरंगजेब अथवा काजी गुरु श्री तेग बहादुर साहिब को बातों से प्रभावित ना कर सके तो उन्होंने गुरुजी तथा अन्य शिष्यों को कई प्रकार के लालच दिए। बात तब भी ना बनती देखकर उन्होंने कई प्रकार की यातनाएं दी और मृत्यु का भय दिखाया। इस पर उन्होंने अमल भी किया। गुरुजी को भयभीत करने के लिए उनके संग तीनों सिखों को क्रमश आरे से चीरकर, पानी में उबालकर तथा रुई लपेटकर जिंदा जलाकर गुरुजी की आंखों के सामने शहीद कर दिया। किंतु इन घटनाओं का गुरुजी पर कोई प्रभाव न होता देखकर औरंगजेब बुखला गया और उसने गुरुजी को शहीद करने की घोषणा करवा दी। बहुत हुआ, जो इस्लाम नहीं मानेगा अब उसे मृत्यु ही मिलेगी। गुरु तेग बहादुर का भी यही परिणाम हो, हुक्म की तामील हो। इन शहीदी घटनाक्रमों को देखते हुए गुरुजी के अन्य सेवकों ने गांव रकाबगंज के भाई लक्खी शाह से मिलकर एक योजना बनाई। अब कुछ नहीं बचा, जैसे भाई सतीदास मतीदास को शहीद किया गया है वैसे ही गुरु साहिब को भी शहीद कर दिया जाएगा। परंतु अब हमें यह ध्यान रखना है कि गुरु साहिब की शहीदी के पश्चात उनके पार्थिव शरीर का किसी भी तरह से निरादर ना हो। हमें एक विशेष बैलगाड़ी का प्रबंध करना होगा और उसके नीचे एक संदूक बनाना होगा। हाँ हाँ, गुरुजी के शीश की संभाल भाई जेता जी को करनी होगी, वही उसे लाएंगे। और इस योजना के अनुसार उन्होंने एक विशेष बैलगाड़ी तैयार की जिसके नीचे एक संदूक बनाया गया जिसका ढक्कन ऊपर से खुलता था। भाई जेता जी नामक सिख गुरुजी के शीश की संभाल करने के लिए अलग से तैयार हुए। औरंगजेब के इस फरमान के साथ ही प्रशासन ने समस्त दिल्ली नगर में डोंडी पिटवा दी। सुनो सुनो सुनो, शहंशाह औरंगजेब का हुक्म ना मानने के कारण हिंद के पीर गुरु तेग बहादुर को 11 नवंबर के दिन चांदनी चौक के चबूतरे पर मौत के घाट उतारा जाएगा। इस दृश्य को देखने वहां विशाल जन समूह उमड़ पड़ा जो कि बेबस होने के कारण मुक दर्शक बना रहा। निश्चित समय गुरुजी को चबूतरे पर बिठाया गया। गुरुजी तो मानसिक रूप से पहले ही आत्म बलिदान के लिए तैयार होकर आए थे। सच्चे आध्यात्मिक महापुरुष होने के कारण समर्थ होते हुए भी चमत्कार दिखाकर परमात्मा के सामने अनिति नहीं करना चाहते थे अथवा उनको नीचा नहीं दिखाना चाहते थे। वहां निकट खड़े भाई जेता ने लपक कर फुर्ती से गुरुजी का शीश उठाकर अपनी झोली में डाला और भीड़ में अलोप हो गए।
तथा बिना रुके नगर के बाहर प्रतीक्षा में खड़े भाई उदा जी से जा मिले। उस समय उन दोनों सिखों ने अपनी वेशभूषा मुगलों जैसी बनाई हुई थी, जिस कारण उनको आनंदपुर साहिब की तरफ भरने में सहायता मिली। शीश के लापता हो जाने पर औरंगजेब ने शहर भर में डोंडी पिटवाई, परंतु औरंगजेब के भय के कारण गुरुजी की अंत येष्टि क्रिया के लिए कोई भी सामने नहीं आया। परंतु योजना के अनुसार भाई लखी शाह अपनी बैलगाड़ियों के काफिले के साथ चांदनी चौक से गुजरे, जो कि लाल किले में सरकारी सामान छोड़कर वापस लौट रहे थे। प्रकृति ने भी उनका साथ दिया। उस समय वहां जोरों से आंधी चलने लगी थी। आंधी का लाभ उठाते हुए उन्होंने गुरुजी के शव पर चादर डालकर झट से उठा लिया और संदूक वाली बैलगाड़ी में रखकर ऊपर से ढक्कन बंद कर उस पर चटाई बिछा दी और गाड़ी हाँकते हुए आगे भर गए। आंधी के कारण वहां पर खड़े सिपाही शव को उठाते समय किसी को भी ना देख सके। क्षण भर में शव के खो जाने पर संतरियों ने बहुत खोजबीन की, परंतु वे असफल रहे। इस प्रकार भाई लखी शाह का काफिला गुरुदेव का शव गुप्त रूप से ले जाने में सफल हो गया। उन सिखों ने तब गुरुजी के शव को अपने घर के भीतर ही रखकर चिता को आग लगा दी। हल्ला मचा दिया कि उनके घर को आग लग गई है। इस प्रकार औरंगजेब के भय के होते हुए भी गुरुजी के सिखों ने गुरुजी का अंतिम संस्कार युक्ति से गुप्त रूप में संपन्न कर दिया। आजकल उस स्थान पर रकाबगंज नामक गुरुद्वारा है। दूसरी ओर भाई जैता जी और उनके साथी लंबी यात्रा करते हुए कीरतपुर साहिब पहुँचे। जैसे ही यह संदेश माता नानकी जी तथा परिवार को मिला कि गुरुजी ने अपने प्राणों की आहुति मानवता के मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु दे दी है और उनका शीश एक सिख कीरतपुर साहिब लेकर पहुंच गया है, तो वह सभी सिखों सहित अगवानी करने कीरतपुर साहिब पहुंचे। उस समय भले ही वातावरण में दुख और शोक की लहर थी, परंतु गोविंद राय सभी को धैर्य का पाठ पढ़ा रहे थे और उन्होंने अपनी दादी माँ व माता गुजरी जी से कहा कि गुरबाणी मार्गदर्शन करते हुए संदेश देती है।